हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले में मॉनसून के बादल सक्रिय होने के बाद अब जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं झमाझम बारिश के चलते बांधों में भी पानी का आवक शुरू हो गया है। गुरुवार को पाली शहर सहित ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश होने से जहां मौसम सुहाना हो गया है, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। जिले के हाथलाई, रानी, बाली, फालना, देसुरी, सादड़ी और मारवाड़ जंक्शन सहित कई कस्बों में लगातार गुरुवार को तीसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। वहीं दोपहर के बाद पाली शहर में भी बादल जमकर बरसे। सादड़ी, रनकपुर, अरावली पर्वतमालाओं में करीब 3 घंटे झमाझम जोरदार बारिश होने से पर्वतमालाओं के नदी नालों में पानी उफान से बहने लगा, जिससे मघा से निकलने वाली मधाई नदी गति से बहने लगी, जिससे सादड़ी रनकपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई। रनकपुर अरावली पर्वतमालाओं में आज लगातार 3 घंटे तेज बारिश से रनकपुर उदयपुर रोड घाट सेक्शन में जगह जगह पानी गिरने से पहाड़ी खिसक गई और रोड पर मिट्टी और पत्थर गिर गए, जिससे पर्यटकों और राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। 2-3 जगह खतरा अभी भी बना हुआ है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।